गुड मॉर्निंग, आज हमारा है सेकंड डे और आज हम आए यहाँ पे माउंट उमुरो। उमुरो यहाँ पे काफ़ी एक सेक्रेट माउंटेन है, ये आपको दिखाता हूँ मैं कैसा दिखता है। काफ़ी डिफरेंट वाइब है इस माउंटेन की। ये जो पीछे पूरा ग्रीन दिख रहा होगा, इस पे ग्रास, ये जो घास है उगाई जाती है और इसको फरवरी में पूरा इसको जला देते हैं इस माउंटेन को। आपको फोटो दिखाता हूँ कैसा दिखता है। और अभी इसका पीक टाइम है जो सबसे सुंदर इसी सीजन में लगता है, ये पूरा ग्रीन। और आज ये काफ़ी क्राउडेड है, वहाँ से आपको लाइन दिख रही होगी, पूरी लाइन जा, ये लाइन जाएगी लिफ्ट पे और लिफ्ट में लेके जाएगी टॉप पे और वहाँ से पूरा इस सिटी का एरियल व्यू दिखता है। इसका टिकट प्राइस है 1000 yen पर पर्सन। और वहाँ से हमें मिलेगी लिफ्ट पीछे से जो सीधा ऊपर लेके जाएगी टॉप पे। ये हमारी लिफ्ट आने वाली है और इसके बाद जाते हैं टॉप पे। तो वहाँ पर जो ये पूरा जो माउंट उमुरो है, इसके चारों तरफ ऊपर रिंग है पूरा ऐसे घूमने का। चलते हैं टॉप पे, टॉप ऑफ माउंट उमुरो। ये यहाँ का वोल्केनो था, अभी एक्टिव नहीं है, बट ये पूरा जो माउंटेन बना है ये पूरा वोल्केनो से बना हुआ है। और इसका क्रेटर है ऊपर, क्रेटर के टॉप पे जाएंगे और उसका पूरा राउंड करेंगे। और इसके जो नीचे, क्रेटर के नीचे जाने का भी रास्ता है, वहाँ पर आर्चरी होती है, वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ है, बट हमने एक्टिविटीज़ का अभी कोई प्लान नहीं लिया है। बस ऊपर जाएंगे और एक राउंड काट के वापस नीचे आएंगे। पूरा सिटी का काफ़ी अच्छा व्यू आता है ऊपर से। काफ़ी स्लो स्लो जा रहे हैं। इस माउंट की जो हाइट है वो तकरीबन 580 meters है। ये हम पहुंच गए हैं टॉप पे।
और ये बीच में ये पूरा क्रेटर है, ये इसका सेंटर पॉइंट, उसके चारों तरफ से पूरा एक राउंड लेके आएंगे, काफ़ी बड़ा है, नीचे से इतना बड़ा लग नहीं रहा था लेकिन बहुत बड़ा है, और इस टाइम पे बिल्कुल ग्रीन है। और यहाँ पे नीचे जो मैं एक्टिविटीज़ बता रहा था, वहाँ पे नीचे एक्टिविटीज़ भी होती है, आपको अलग से इसको रिजर्व करना पड़ता है। तो जो ये ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी का यहाँ से लावा निकलता है, बट अभी ये इनएक्टिव है तो यहाँ पे सेफ है। ये है मेन स्पॉट जहाँ से पूरी सिटी दिखती है। पूरा पीछे जो समुद्र दिख रहा है, नीचे सिटी है, समुद्र है और ये माउंटेन है, तो लैंडस्केप बहुत ही ब्यूटीफुल है। वाओ, इसके टॉप पे जाएंगे यहाँ से घूम के। ये हमारा पूरा राउंड पूरा हो गया, वहां से घूम के हम यहाँ आ गए तकरीबन 20 से 25 मिनट में। इसके बाद एक यहाँ पे एक केव है, वो हमारी नेक्स्ट लास्ट डेस्टिनेशन होगी। अभी इस लिफ्ट से नीचे उतरते हैं, वहां से और अच्छा व्यू आएगा, उतरते हुए तो और मजा आ रहा है, और यहाँ से अभी काफी अच्छा व्यू दिख रहा है पूरी सिटी का। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था इसका माउंट मोरो का, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मेनली ये अभी इसका जो पीक सीज़न है जिसमें सबसे अच्छा लगता है ये, और ये ओपन होता है मार्च से सितंबर तक।